छतरपुर में पीपरमिंट के प्लांट के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बड़ी मुश्किल से दमकल अमला आग पर काबू कर पाया। रविवार तड़के कोतवाली थाने के शरानी दरवाजे के बाहर पेपरमेंट प्लांट के गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है प्लांट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग लगने की सूचना के बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का पेपरमेंट जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए गोदाम के शटर को तोड़ा गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोग खुद आग बुझाने के लिए प्रयासरत हो गए थे, जिसमें से कुछ लोग मामूली रूप से झुलस भी गए। दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास करती रहीं, जिसमें करीब 5 घंटे का समय लग गया। इतने में प्लांट में रखा 30 ड्रम पेपरमेंट जलकर खाक हो गया। सुबह 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पेपरमिंट का शॉर्टेज यहाँ पर सर्दी दरवाजे पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी थी। तुरंत यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँची थी, पानी के टैंकर भेजे गए। इसके अलावा सभी विभागों को अलर्ट करके वहाँ से भी फायर ब्रिगेड और वाटर टैंक लगातार लाए जा रहे हैं, और अभी आग पूरी तरीके से काबू में है। और जब तक ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा, तब तक यहाँ पे व्यवस्था बनी रहेगी। गोदाम है, अनुभव उनका ही गोदाम है, गवर्नमेंट का गोदाम है, गवर्नमेंट का उनका टोप का काम है, गवर्नमेंट। उसमें नुकसान हमारी समझ से जो दिन कहते हैं उस हिसाब से 1-2 करोड़ रुपए से कम का नुकसान नहीं है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।